नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर पंजाब के बटाला से है, जहां बटाला के एक नौजवान की प्लास्टिक डोर, पतंग की जो डोर है, उसकी वजह से साथ हुए सड़क हादसे में मौत का मामला सामने आया है। नौजवान विक्रम, जो हलवाई का काम करता था और बीते कल वहां छोटे हाथी सवार ढिंडोरे अपने काम से वापस आ रहा था कि अचानक रास्ते में लटक रही प्लास्टिक डोर से उसके कान के साथ अड़चन के साथ वह चलते छोटे हाथी के साथ सड़क पर गिर पड़ा। इस हादसे में नौजवान को गंभीर चोटें लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बटाला के मोनिया मोहल्ले का रहने वाला 30 साल का नौजवान विक्रम, जिसकी बीते कल प्लास्टिक डोर की वजह के साथ हुई सड़क हादसे में मौत का कारण परिवार में गमी का माहौल है और मृतक के परिवार में पत्नी और एक 8 साल की बेटी है। मृतक के परिवार वालों ने कहा कि वह परिवार में अकेला कमाने वाला था और मृतक का परिवार मांग कर रहा है कि इस जानलेवा डोर और सरकार और प्रशासन की तरफ से सख्ती के साथ पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि पहले भी कई लोगों की जान इस डोर की वजह से जा चुकी है और अब उनका भी जीव इस डोर की वजह से अपनी जान गंवा बैठा है। वहीं इलाकों के लोगों और मृतक के रिश्तेदार मृतक नौजवान के परिवार की माली मदद की अपील सरकार से कर रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। अज कदा महल्ले विखे बहुत ही माड़ी घटना हुई है, जिदे विक्रम पुत्र प्रेमनाथ की एक्सीडेंट से डैथ हुई है। एक्सीडेंट तो इस तरह का भी जिस तरह मतलब जिस तरह चाइना डोर हमेशा ही कहा जाता भी जानलेवा साबित होंगी है, उस तरह यह बच्चे की भी जी चाइना डोर की वजह करके ही एक्सीडेंट सारा होया वा। तो हमेशा सरकार भी कहदियाँ लोगों भी अपील करते हैं भाई आ जी डोर वा ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करो, लेकिन कितना कितना चलन जड़ा वा जो गंदे लोग ने, चाहे दुकानदार ने, चाहे बेचण वाले ने, चाहे बनाने वाले ने, आ करते तो उस ही मतलब जी डोर दे कारण ही यह वाली जी मौत हुई है, एक्सीडेंट होया। छोटे छोटे उन्होंने बच्चे आ, तो बड़ी ही दुख का मंजर है। इस वेले सारा लोग जड़े ने, सारे नौजवान जड़े ने, उन्होंने चेहरे के उत्ते आप देख सकते हैं भी किस तरह मतलब दुख छाया होया वा। तो मैं तो गौरमेंट नू, सरकार नू, प्रशासन नू यह भी कहांगा भी जिस तरह की यह डैथ हुई है, पिछे वह परिवार है जोड़ा, जिस तरह के बच्चे आ बकायदा उन्होंने जी सरकारी सहायता जी दी जाए। मेरी यह अपील है पुरजोर, और मैं अपने पद्धर से भी ये बिल्कुल कोशिश करांगा आने वाले समय के विच भी इन्हों जी भी है सरकारी सहायता, माली सहायता जी दिलावांगे आपां, ते इन्हां दा जिस तरह बच्चों का हक है दवावांगे। बाकी यह गल्लां ते देखो चलदियां रहिंदियां, पर ना तो उस बेटी नूं अपना घर वाला मिलना, ना ही उस माँ बाप नूं उन्हां दा बेटा मिलना, बड़ी दुख की गल आ। तो असी बड़े दिल तो दुख बारे की कहना चाहोगे बावजूद भी दुकानदार जड़े ने इन्हों तो रब ही भुल गया था। जे इन्हों पर अपने पैसों की खातर भी सानू पैसे चार बचते आ तो वो करके ये वेचते हैं, उधरों प्रशासन भी देखो पिछे जो लोहड़ी के लागे भी हमेशा एस एच ओ इतने मनोज से, मैं मनोज ने भी कहा उस वक्त, मैं कहा मनोज जी तुम तगड़े हो के रेट करो, तो इन्हों को जी डोर वेचते हैं इन्हों के उत्ते परचे करो, डोर बरामद करो, डोर ना एक धागा भी विकन दो। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ? ਮੇਰਾ ਸੁਨੀਲ ਸਰੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਕਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆ ਸੀ ਚੈਨਲ ਡੋਰ ਫਿਰ ਗਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੈਨਲ ਡੋਰ ਫਿਰ ਤੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ?